हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिकेट ज्ञान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से T20 क्रिकेट आया है, तब से बल्लेबाज पहले से और ज़्यादा आक्रामक होकर खेलने लगे हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को छोड़कर सभी टीमों ने 300 से ज़्यादा रनों का स्कोर एक बार अवश्य बनाया है। दोस्तों, आज हम मेरी इस वीडियो में बात करेंगे वर्तमान समय के उन 5 विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में जो वर्ल्ड कप 2019 में ही 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का दम रखते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से हैं यह 5 तूफानी बल्लेबाज। दोस्तों, इस सूची में 5वें नंबर पर आते हैं वेस्टइंडीज टीम के बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल। दोस्तों, अगर बात की जाए इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के बारे में, तो यह बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज है। क्रिस गेल कई मौकों पर लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। इस बल्लेबाज से आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह बल्लेबाज वर्ल्ड कप 2019 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सकता है। दोस्तों, इस सूची में 4थे नंबर पर आते हैं इंग्लैंड टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर। दोस्तों, अगर बात की जाए इस दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज के बारे में, तो यह बल्लेबाज पिछले 2 साल से वनडे क्रिकेट में गजब का खेल खेल रहा है। दोस्तों, जोस बटलर 3 मौकों पर 60 या उससे कम गेंदों पर शतक लगा चुके हैं। यही नहीं, जोस बटलर वनडे क्रिकेट में 3 बार किसी गेंदबाज के 1 ओवर में 3 छक्के भी लगा चुके हैं। इस बल्लेबाज से आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सकता है। दोस्तों, इस सूची में 3रे नंबर पर आते हैं भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा। दोस्तों, अगर बात की जाए रोहित शर्मा के बारे में, तो यह बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगा चुका है। वनडे क्रिकेट में 2 बार रोहित शर्मा एक पारी में 10 या उससे ज़्यादा छक्के भी लगा चुके हैं। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 बार 1 ओवर में 4 छक्के लगाने वाले विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा से आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सकता है। दोस्तों, इस सूची में 2रे नंबर पर आते हैं वेस्टइंडीज टीम के ही तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल। दोस्तों, अगर बात की जाए आंद्रे रसेल के बारे में, तो यह बल्लेबाज मैच की पहली गेंद से बेहद ज़्यादा आक्रामक होकर खेलता है। IPL 2019 में आंद्रे रसेल ने मात्र 14 पारियों में 52 छक्के जड़ दिए थे। IPL 2019 में 3 मौकों पर आंद्रे रसेल ने गेंदबाज के 1 ओवर में लगातार 3 छक्के भी लगाए थे। इस बल्लेबाज से आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सकता है। दोस्तों, इस सूची में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। दोस्तों, अगर बात की जाए इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के बारे में, तो यह बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 बार छक्कों की हैट्रिक लगा चुका है। IPL 2019 में भी इस बल्लेबाज ने एक पारी में 11 छक्के जड़ दिए थे। टीम इंडिया की ओर से यह बल्लेबाज नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आता है। हार्दिक पांड्या किसी भी दिन गेंदबाज के 1 ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से इन 5 बल्लेबाजों में से किस बल्लेबाज के पास वह दमखम मौजूद है जो 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सके। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।